हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम शुभम महाजन। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स लेके आए हैं जेके एसएसबी के अकॉर्डिंग, जिसके हम जो है जम्मू कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। आज जो है पार्ट थ्री है या सेट थ्री है क्वेश्चन पेपर्स का उनमें से। तो फिर से हम इसको शुरू करते हैं और गारंटी देता हूँ मैं आपको, कुछ ना कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन हर क्वेश्चन के साथ मिलेगी, जो फर्दर आपके एग्जामिनेशन में जो है आपको मदद ज़रूर करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट थ्री हम जो शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, कौन से मंथ में जो है बैसाखी का फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो है इसके बारे में हर किसी को पता है, कब मनाया जाता है, अप्रैल के मंथ में। यूजुअली क्या होता है, 13 या 14 को जो है हर साल बैसाखी मनाई जाती है। ये तो बात आ गई बैसाखी की। बैसाखी आपको पता ही है स्प्रिंग हार्वेस्ट सीजन होता है, ये हमारा स्प्रिंग सीजन में ये मनाया जाता है। फसलों की कटाई होती है इन दिनों। किसान जितने भी हैं हमारे नॉर्थन इंडिया में, पंजाब की बात आ गई, जम्मू कश्मीर की आ गई, हरियाणा की आ गई, वहाँ के लोग जो है इस त्यौहार को बड़ा ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें, अगर हम 1801 में चले जाएँ, 12 अप्रैल 1801, ये क्यों और ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, इस समय क्या हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह को महाराजा का टाइटल मिला था उस समय, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह जी को जो है उस समय उस साल जो है 12 अप्रैल को बैसाखी आई थी। 1801 का वो साल था जिस समय महाराजा हरि सिंह जी को जो है महाराजा का टाइटल मिला था। और इसके साथ साथ आपको पता भी है जलियांवाला बाग जो है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो भी बैसाखी के दिन ही हुआ था अमृतसर में, जब जनरल डायर ने जो है वहाँ पे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, तो उस समय उनके ऊपर जो है गोलियाँ चला दी थी। तो बैसाखी बड़ा इंपॉर्टेंट त्यौहार है हमारे लिए, और हिस्टोरिकली कुछ इनके साथ जो दिन जुड़े हुए हैं या इवेंट्स जुड़े हुए हैं वो भी मैंने आपको जो है बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर जो है गारंटी हर किसी को पता होगा, अप्रैल मंथ में क्या, कौन से जो है मंथ में हमारे इंडिया में जो है या जम्मू कश्मीर में बैसाखी का दिन जो है मनाया जाता है। चलिए आगे, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कश्मीर में या श्रीनगर में जो है सिख रूल कब बना था, कब स्थापित हुआ था। आपको पता ही है पहले जो है सबसे स्टार्ट जो है हमारे यहाँ पे, सॉरी जो मिडिल पीरियड में जो है यहाँ पे मुस्लिम रूल था, उसके बाद जो लास्ट एम्पायर जो आता है बिफोर डोगरा रूलर्स वो आता है सिख एम्पायर। ये 27 ईयर्स का जो है इनका पीरियड था। सत्ताईस साल का पीरियड जो है सिख रूल हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहा है, और ये 1819 में हुआ था जब महाराजा रणजीत सिंह ने जो है यहाँ पे अपना सिख एम्पायर जो है स्थापित किया था। फिर क्या हुआ था, 1819 के बाद यहाँ पे बड़ी ज़्यादा रिलीजियसली जो है पॉलिसीज अपनाई गई, जैसे यहाँ पे आपको पता ही है महाराजा रणजीत सिंह जो है हर धर्म को एक बराबर देखते थे। फिर आते ही उन्होंने क्या किया, कौ स्लॉटरिंग जो है पूरी तरह से वहाँ पर बैन कर दी, और जो पब्लिकली अजांस होती थी उनको भी जो है इन्होंने बैन कर दिया। और सबसे पहले अगर कहा जाए जो हिंदू गवर्नर इन्होंने चुने थे यहाँ पे, वो उनका नाम था दीवान मोती राम। फर्स्ट हिंदू गवर्नर अंडर सिख रूल। जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर कह दीजिए आप, जो सबसे पहले गवर्नर थे दीवान मोती राम था उनका नाम, और 1819 में जो है सिख रूल हमारे यहाँ पे बना था जब महाराजा रणजीत सिंह ने जो है हमारे कश्मीर को पूरी तरह से जो है कैप्चर कर लिया था, अपने अंडर ले आए थे। 27 साल का ये जो है पीरियड था। 1846 में जो है ये खत्म हो जाता है पीरियड, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी।
ट्रीटी ऑफ अमृतसर अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसको उसमें आपको ज़रूर पता होगा, या 2019 का जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी इसके बारे में मैंने आपको छोटा सा बताया था। उसमें क्या था, 75 मिलियन देकर या नानकशाही रुपीस को पे करके जो है महाराजा गुलाब सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अंग्रेज़ों से खरीद लिया था अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। पहले एंग्लो सिख वॉर हुई थी जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जो है हार गए थे, सिख अंपायर जो है हार गया था, महाराजा रणजीत सिंह नहीं आ रहे थे, सिख अंपायर जो है उनसे हार गया था। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई 1846 में जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने साइन की थी, और उसमें 75 मिलियन रुपीज़ जो है पे करके इन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से जो है ख़रीद लिया। तो 27 साल का पीरियड ऐसे यहाँ पे हमारा सिख एम्पायर का जो है कश्मीर में एंड होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने पूछा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट भी अगर हम पहले अगर बात करते तो स्टेट की बात करनी थी हमने, तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है कौन से लैंड मास से जो है बाउंडेड है वेस्ट की तरफ। वेस्ट साइड में अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर जो है किसके साथ लगता है, किसके साथ जो है अपनी टेरिटरी शेयर करता है या बाउंड्री शेयर करता है। अगर मैं जम्मू कश्मीर को ऐसे लिखूं, जम्मू एंड कश्मीर को अगर मैं ऐसे लिखूं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट के हिसाब से जो है कहाँ कहाँ से ये जो है बाउंडेड है। सबसे पहले अगर हम ऊपर बात करें ये जो है चाइना और अफगानिस्तान के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ईस्ट में अगर हम बात करें, ईस्ट में जो है ये लद्दाख के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, नॉर्थ ईस्ट भी ये आ सकता है। साउथ में आपको पता ही है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इसके साथ हमारा जम्मू कश्मीर जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारी जम्मू कश्मीर जो है अपनी बाउंड्री शेयर करती है, वो आता है पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है हमारा पूरी तरह से जो है पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा। दो जगह से जो है हम इंडियन स्टेट्स के साथ या यूटीज़ के साथ जो है अपना एरिया शेयर करते हैं, दो जगह से आ गए हमारी कंट्रीज, चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चाइना जो है हमारे नॉर्थ एरिया में आता है, चाइना और अफगानिस्तान दोनों। उसके साथ अगर वेस्ट की तरफ अगर हम चले जाएं तो आता है पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान प्रोविंस जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। साउथ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश दो स्टेट्स हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं अपनी। फिर आता है लास्ट में लद्दाख जो हमारी ईस्टर्न साइड में आता है। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन इन कश्मीरी नोमेनक्लेचर। मैंने आपको आपकी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सीजन्स ऑफ कश्मीर जो है ज़रूर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछना ही पूछना है। अगर ये नहीं पूछेंगे तो कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ ये ज़रूर पूछेंगे कि इस सीज़न में यहाँ पर किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है। तो सीजन्स करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है अलॉन्ग विद जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, उसमें जो है सेक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पूछा हुआ है स्प्रिंग सीजन जो है कौन से मौसम को कहा जाता है लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में। इसका आंसर जो है सौंथ आएगा। पता भी होगा आपको, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, कश्मीरी लोगों को तो जो है गारंटी है इसके बारे में पता होगा। सौंथ जो है हमारा आता है स्प्रिंग सीजन। फिर उसके बाद और कौन कौन से आते हैं, हरूड किसको कहते हैं हम बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑटम सीजन को कहते हैं, ग्रीष्म आपको पता ही है गर्मियों का सीजन, सोच आ गया स्प्रिंग सीजन, हरूड आ गया। हरूड क्या आया, ऑटम सीजन आया, ग्रीष्म आया गर्मियों का सीजन, वरत आया, वरत को क्या कहते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। वरत होता है जब वहां पे बारिशें शुरू हो जाती है, रेनी सीजन को जो है वरत सीजन कहते हैं यहाँ पे। हो गया ये आपको, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन जम्मू रीजन? इसका आंसर भी आप सबको पता होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है हमारे जम्मू के लिए, पिकनिक स्पॉट बड़ा अच्छा है ये, हर कोई जम्मू का पर्सन जो है वहाँ पे ज़रूर गया हुआ है। जब सर्दियों में यहाँ पे कश्मीर के लोग हमारे जम्मू में आके रहते हैं वो भी ज़रूर इस लेक में ज़रूर जाते हैं। आपको पता ही है इसका क्या आंसर है, मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मानसर लेक। ठीक है, मानसर लेक आपको पता ही है सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आती है, 62 किलोमीटर दूर है हमारे जम्मू सिटी से। जम्मू सिटी से 62 किलोमीटर है, 2005 में जो है इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया था। एक चीज़ और, ये तो आ गई कुछ इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, अगर क्या कहते हैं कल्चरल अगर इंपॉर्टेंस की बात कहूँ तो जम्मू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है ये। यहाँ पे कहा जाता है कि एक शेषनाग जी का मंदिर है जहाँ पे लोग जाके अपने माथा टेकते हैं, मन्नतें पूरी करते हैं, और बच्चों के जो मुंडन सेरेमनी भी वहाँ पर ही जो है परफॉर्म करते हैं जाके, और उसके साथ साथ वहाँ की जो लोकल फिश है काफ फिश जो है उसको भी रिलीजियसली बड़ा ज़्यादा मान्यता दी जाती है। कहा जाता है ये हमारे लोक देवता इन्हीं फिश के रूप में जो है यहाँ पे रहते हैं, और इनका जो फिशिंग वगैरह वहाँ पे पूरी तरह से जो है प्रोहिबिटेड है। जो वैरायटी ऑफ फिश वहाँ पे मिलती है उसको कहते हैं काफ फिश। सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर पड़ता है, और जो मानसर के रास्ते में जो है एक रोड आती है धार रोड। धार रोड आपको पता होगा, लोकल उधमपुर के लोगों को ज़रूर पता होगा, धार रोड जो है पठानकोट और उधमपुर को जो है जोड़ती है, जो मानसर के रास्ते में ही आती है। फिर इसके साथ साथ बड़ी ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं वहाँ पे, जैसे स्पॉटेड डियर की, डक्स की मिलती है, उसके साथ साथ फिशेस की जो है आपको वैरायटी मिलती है, स्नैक्स की बड़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है वहाँ पर, टर्टल्स की, टॉर्टाइस की बड़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तो ये आ गया इसका मानसर लेक आंसर, और कुछ इसकी जो खासियत है वो भी आने आपको जो है बता दी। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? क्या आंसर है इसका, सबको पता होगा सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। नाम भी हमारे जम्मू कश्मीर से लिंक्ड ही है, बाकी कोई भी आंसर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है, तो इसका आंसर आएगा वुलर लेक। बांदीपुरा एरिया में जो है ये मिलती है, पता ही होगा कश्मीर के लोगों को मैक्सिमम पता है, बांदीपुरा एरिया में जो है ये वुलर लेक है हमारी। और एक और चीज़, एंशियंटली अगर इसको पुराने नाम से अगर पुकारा जाता था, कोई अगर संस्कृत नेम था इसका तो वो था महापद्म सागर, संस्कृत नेम। महा पद्म सागर, ठीक है, ये आ गई हमारी वुलर लेक की एक खासियत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी प्रगवाल वेटलैंड रिजर्व इज लोकेटेड? इसका आंसर जो है वैसे तो जम्मू में आता है, जम्मू का अखनूर एरिया है, तो ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरा है, क्योंकि जम्मू की यूटी अलग नहीं है, कश्मीर की यूटी अलग नहीं है, पूरी तरह से हम जो है जुड़े हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी आएगी, प्रगवाल का प्रगवाल एरिया में है जो अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, और उसके साथ साथ 1987 में जो है J&K वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के अंडर इसको जो है प्रिजर्व करके भी हमने रखा हुआ है। प
बरकवाल एरिया अखनूर एरिया में पड़ता है, अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, और 1987 के J&K वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के अंडर भी जो है हमने इसको एक कंजर्व वेटलैंड का जो है दर्जा दिया हुआ है। हो गया ये क्वेश्चन, चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी कितनी भी यूटीज जो है वहाँ पे इसका नाम कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन्स वाज बिल्ड बाय एम्परर जहांगीर इन द कश्मीर। किसने बनाया था, सॉरी जहांगीर ने, मुगल एम्परर जहांगीर ने कौन सा मुगल गार्डन जो है कश्मीर में बनाया था। क्या आंसर है इसका बताइए। दो चीजें तो हो नहीं सकती हैं यहाँ पे, इन दोनों में से हमने चुनना है। ये भी मुगल गार्डन है, ये भी मुगल गार्डन है, बट इसका आंसर जो है डी आएगा। शालीमार बाग जो है जहांगीर ने बनाया था 1619 ईस्वी में अपनी वाइफ नूरजहां। और शालीमार का मतलब होता है क्राउन ऑफ द सिटी। ठीक है, तो जहांगीर ने जो है 1619 में शालीमार बाग को बनाया था अपनी वाइफ नूरजहां के लिए, और इसका जो फॉर्मल है अगर इंग्लिश में जो इसका मतलब होता है वो होता है क्राउन ऑफ द सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब होप कि इसका भी आपको आंसर पहले का ही पता होगा। होप अंग द फॉलोइंग रोड द डिवोशनल वर्क ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस के बारे में हिंदुओं को पक्का पता होगा कि ये कौन सी बुक है, हमारी रिलीजियस या सेक्रेट बुक है, जिसमें भगवान श्री राम जी के बारे में बताया हुआ है, उनके चरित्र के बारे में बताया हुआ है कि कैसे उनका जन्म हुआ, अपना राज्य जो है त्याग के वो वनवास में चले गए, रावण का वध किया, उसके बाद वापिस आए, अपना राज्य जो है पूरी तरह से चलाया, सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हमारी जो रामचरितमानस है या रामायण जो है दो तरह की है, एक आती है जो स्वामी तुलसीदास ने लिखी थी कलयुग में जो है, तुलसीदास जी ने लिखी थी, और उससे पहले की जो हम रामायण को जिसके हमारे पास ट्रेसेस अभी नहीं है वो आती है वाल्मीकि रामायण। तो जो रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, और उससे पहले अगर रामायण की अगर हम बात करेंगे वो जो है वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है। चले अब आगे। फिर से आ गया क्वेश्चन JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये एक्ट करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबॉलिश्ड आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। क्या इसका आंसर होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली अभी भी है हमारी, ह्यूमन राइट कमीशन भी अभी भी है, NGT जो है आगे सेंटर का ये ऑफिस है, ये भी पूरी तरह से अबॉलिश नहीं हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में। तो फिर आंसर जो आता है इसका, आपको पता भी है पहले हमारे जम्मू कश्मीर में जो है जब स्टेट थी ये, यहाँ पे बायकैमरलिज्म का कंसेप्ट था, तो इसको अबॉलिश करके जो है पूरी तरह से यहाँ पे सिंगल या यूनिकैमरलिज्म पूरी तरह से हमने अपनाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फुली एबॉलिश्ड। आगे समझ, हमने जो MLC का कंसेप्ट था पूरी तरह से हमने जो है ख़त्म कर दिया इसको। अब से खाली MLA ही होंगे जिनके लोकल इलेक्शंस होंगे, डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद होगा, ये आपको पता ही है 83 अभी सीट्स हैं हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली की। तो उससे पहले अगर MLC की अगर हम बात करें, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसकी 36 सीट्स होती थी। तो सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग जो है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया हुआ है। फिर से आपको यकीन हो गया ना जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कितना जरूरी है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पता था सेक्शन 57 इसके साथ डील करता है या नहीं। ये तो आपको पता ही होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने एबॉलिश की हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ कौन सा प्लेस या कौन सा एरिया जो है अंबरी एप्पल्स के लिए फेमस है, इसका आंसर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है कश्मीर के एप्पल पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो है फेमस है। अब अंबरी एप्पल्स का मैं आपको साइंटिफिक नेम बता देता हूँ, मेलस डोमेस्टिका इसका जो है नाम है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी। कश्मीर जो है प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है, और सितंबर पीरियड में, सितंबर में इसको जो है राइप किया जाता है और अक्टूबर में जो है इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा, कश्मीरी जो है होम है अंबरी एप्पल्स का। अंबरी एप्पल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलस डोमेस्टिका, ठीक है। सितंबर में इसको राइप किया जाता है और अक्टूबर में जो है इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको पहले भी बताया मानसर जो आती है हमारी सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर फॉल करती है, ठीक है, इसका आंसर सांबा होगा। ये आपको मैक्सिमम जम्मू के लोगों को पता भी होगा। अब सांबा के बारे में अगर हम बात करते हैं, सांबा जो है पहले तहसील होती थी, बहुत बड़ी जो ये एक आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, बट पहले जो है ये तहसील होती थी और 2006 में इसको जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया हुआ है। और जम्मू से जो है सांबा अलग होता है परमंडल ब्रिज के थ्रू, और सांबा ही एक ऐसी लोग अकेली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे दो जो है सीट्स आती हैं असेंबली की, एक आती है सांबा, दूसरी आती है विजयपुर। सांबा के अंडर जो है दो एमएलए आते हैं, एक आते हैं सांबा से, दूसरे आते हैं विजयपुर से। 2006 में जो है इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। मानसर झील जो है हमारी सांबा के अंदर ही पड़ती है, तो परमंडल ब्रिज जो है जम्मू से सांबा को अलग कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सांबा आना था, बाकी एरिया जो है हमारे जम्मू में नहीं आते हैं, रामबन आता है, उसके बाद कुलगाम और बडगाम जो है हमारे कश्मीर में आता है, बट रामबन आपको पता है हमारा हिली एरियाज में आता है ये जम्मू के। तो इसी के साथ जो है हमारा ये सेट ऑफ क्वेश्चन जो है आज का हमारा थर्ड सेट जो है ख़त्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितना स्कोरिंग रही है। मैक्सिमम आपको, मेरे को लगता है कि आपको आंसर्स पता होंगे, जो एडिशन थी इनमें हर आंसर्स के साथ जो एडिशन थी, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी, मैंने आपको पूरी बता दी है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलते हैं। थैंक्स ए लॉट गाइज़।